Assalamu alaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 16. On page number 16, we have done problem number 1 and problem number 2 in our last class. Now, in today's class, we work on problem number 3 and problem number 6 also. Okay? First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here. Words problem ki heading mention karenge and page number 16. Page number 16 jo hai, wo aapko last bhi mention karna hai. Then make a line properly, write down complete problem number 3 here, okay? Student, जो problem number 3 आपके पास यहाँ given है वो क्या है? School children in Karachi raised ₹40,575 through a sponsored marathon race. If the collection is shared between 15 needy families, how much does each family get and how much money will be left? तो यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची, यानी कि स्कूल चिल्ड्रन की बात की जा रही है कराची में, रेज रुपीज़ 40,575, उन्होंने उठाए 40,575 थ्रो आ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस, किसके जरिए उठाए, उन्होंने एक स्पॉन्सर्ड है मैराथन रेस से, वहाँ से उठाए उन्होंने 40,575, ओके। इफ़ द कलेक्शन इज शेयर, जो कलेक्शन थी उनके पास यानी कि जो कम्प्लीट अमाउंट थी उनके पास, उन्होंने शेयर किए बिटवीन किसके दरमियान, 50 नीडी फैमिलीज, 15 ज़रूरतमंद फैमिलीज़ में, हाउ मच डज ईच फैमिली गेट, यानी कि हर एक फैमिली को कितने मनी हासिल हुए आपको वो बताना है यहाँ पर, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो उन्होंने कहा हर एक फैमिली को उनके अमाउंट मिलने के बाद यानी कि इक्वली अमाउंट शेयर करने के बाद कितनी मनी जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी आपको यहाँ वो भी बताना है, ठीक है। सो स्टूडेंट, उन्होंने हमसे ये कहा कि स्कूल के जो बच्चे थे कराची के, उन्होंने 40,575 जो है वो उठाए एक मैराथन रेस के ज़रिए, ओके। फिर उन्होंने वही अमाउंट जो है 15 नीडी फैमिली में शेयर कर दिए, यानी कि उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इक्वली डिवाइड कर दिए। तो जब भी बात शेयर की आ रही होती है या डिवाइड की आ रही होती है, तो वहाँ हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, वहाँ हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्लियरली बात की गई है जो कम्प्लीट अमाउंट वहाँ गिवन है उस वो अमाउंट जो है उसने 15 लोगों में यानी कि 15 ज़रूरतमंद फैमिलीज़ में जो है वो उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू, रिमेनिंग उनके पास जो मनी रह गई है, जो रिमेनिंग वैल्यू उनके पास रह जाएगी ये भी कह सकते हैं हम, तो वो कितनी है आपको यहाँ वो भी बताना है। तो इट मींस यहाँ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ शेयर की बात हो रही है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी शेयर या डिवाइड की बात हो रही थी या डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही होती है, तो वहाँ हमेशा हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, वहाँ हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, ओके। स्टूडेंट, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने से पहले ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि वर्ड्स प्रॉब्लम का आंसर जो है वो हम कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे, ठीक है। बुक में भी आपसे ये कहा गया था, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट, और उसको राइट करना है कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ। और तो स्टेटमेंट को कंप्लीट राइट करने के लिए सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, हम डेटा राइट करते हैं, ओके। डेटा की हेडिंग राइट करेंगे, और डेटा में हम क्या क्या चीज़ें राइट करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है हम वो भी राइट करते हैं, और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है यानी कि जो आस्क की गई होती है क्वेश्चन में, हम वो भी राइट करते हैं, ओके। तो हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें यहाँ टू थिंग्स गिवन है, एक तो ये गिवन है कि स्कूल चिल्ड्रन को कितनी टोटली अमाउंट मिली किसके ज़रिए वो राइट करेंगे, और कितनी नीडी फैमिलीज़ में उन्होंने यहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया या शेयर किया वो राइट करेंगे, ओके। सो क्या राइट करेंगे हम, सबसे पहले स्कूल चिल्ड्रन रेज्ड मनी, स्कूल चिल्ड्रन ने उठाए थे पैसे यानी कि मनी, कितने रुपीस, 40,575, क्लियर है बात। नाउ ये जो उनके पास कलेक्शन आई थी उन्होंने किस में शेयर किए, नीडी फैमिलीज़ में शेयर किया, और कितनी नीडी फैमिलीज़ थी उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ नीडी फैमिलीज़ यानी कि ज़रूरतमंद फैमिलीज़, ओके, इक्वल्स टू 15, ओके। ये टू ही थिंग्स आपके पास गिवन थी, ये टू थिंग्स जो है हमने यहाँ राइट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच ईच फैमिली गेट, तो क्या राइट करेंगे, ईच फैमिली गेट मनी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसके लिए हम क्या राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं, ओके। और सेकेंड चीज़ उन्होंने हमसे क्या पूछी हुई है यहाँ पर, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, हम क्या राइट करेंगे, मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर शेयर्ड, यानी कि शेयर्ड करने के बाद
मनी कितनी हमारे पास लेफ्ट रह गई हमें वो भी बताना है। मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर शेयर, यानी कि मनी कितनी रह जाएगी शेयर करने के बाद या हमें वो भी बताना है। दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो दोनों चीज़ों में जो है मैंने क्वेश्चन मार्क राइट किया है, क्योंकि हमें ये अभी फाइंड आउट नहीं है, अब हम इसे खुद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे जब क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया था, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 3 मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि हम इस कंप्लीट प्रॉब्लम में क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस किया जाएगा, डिवाइड का प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बात शेयर की हो रही थी। तो प्रोसेस करने से पहले हम सॉल्व राइट करते हैं एज यू नो, और हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, डिवाइड का प्रोसेस कर रहे हैं। किसको किससे डिवाइड करेंगे, 40,575 डिवाइडेड बाय 15 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ यहाँ मैं डिवाइड करके शो करूँगी आपको क्लियरली 40,575। ओके, टू फर्स्ट स्टेप में टू नंबर्स एक साथ लेंगे, क्योंकि 4 जस्ट लेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा एज कम्पेयर टू 15, तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम टू नंबर्स एक साथ लेंगे। 15 के टाइम में 40 नहीं आता है, 15 के टाइम जब इक्वल नंबर नहीं आता तो हम नियरेस्ट नंबर लेते हैं, तो 40 से नियरेस्ट नंबर क्या आता है 15 के टाइम में, 30 आता है, जो कि कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। 15 टू ज़ा 30, देन लेस करेंगे, रिमेनिंग क्या रह गया, 0 में से 0 को लेस किया 0, 4 में से 3 को लेस किया 1। ओके, 10 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है एज़ कम्पेयर टू 15, इसलिए नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे 5। ओके, 15 के टाइम में 105 आता है, जी बिल्कुल आता है, और वो कौन से टाइम में आता है, 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 15 7 ज़ा 105 हो जाएगा। ओके, देन लेस करेंगे हम 105 में से, जब आप 105 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाता है आपके पास, 0। नाउ नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या गिवन है, 7 गिवन है, देन हमने 7 कॉपी किया। ओके, 7 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है एज़ कम्पेयर टू 15, जब स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब आप 15 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, 15 0 ज़ा 0, देन लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 7 में से 0 को लेस किया 7। ओके, देन नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या गिवन है, 5, 15 के टाइम में 75 आता है, जी बिल्कुल आता है, और वो कितने टाइम्स में आता है, 15 5 ज़ा 75 होता है, तो हम राइट करेंगे 15 5 ज़ा 75, देन लेस करेंगे, रिमेनिंग क्या रह गया, 75 में से जब 75 को लेस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाता है, 00 रह जाता है, यानी कि कुछ भी वहाँ रिमेनिंग नहीं रहता है। तो जब हमने 40,575 को 15 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2,705, यानी कि रुपीज़ टोटल कितने गिवन थे, 40,575, और 15 नीडी फैमिलीज़ में जब उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया, यानी कि हर एक फैमिली को कितने रुपीज़ हासिल हो गए, 2,705। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ आप देख सकते हो कंप्लीट मैंने सॉल्व किया है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम अपने आंसर को जो है वो कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करते हैं एज यू नो वेरी वेल। ओके, तो कंप्लीट स्टेटमेंट को, यानी कि कंप्लीट आंसर को स्टेटमेंट में किस वे में राइट किया जाता है, या मैं आंसर राइट कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले आप आंसर की हेडिंग मेंशन करेंगे लाइक दिस। अब पहली चीज क्या क्लियर हुई, ईच फैमिली गेट मनी, हर एक फैमिली को कितने रुपीज हासिल हो गए, 2,705। सबसे पहले हम ये राइट करेंगे, देन मैं आपको नेक्स्ट बात क्लियर करूंगी, ईच फैमिली गेट रुपीज 2,705, ईच फैमिली गेट रुपीज 2,705। एंड दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई थी, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और हमने क्या डेटा में राइट किया था, मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर शेयर, यानी कि कितने मनी वहाँ रिमेनिंग रह गए शेयरिंग के बाद। सो स्टूडेंट, यहाँ पास कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहा, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहता तो इट मीन्स 40,575 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया किससे, 15 से, यानी कि जब 40,575 को 15 ज़रूरतमंद फैमिलीज़ में डिवाइड किया तो डिवीजन के बाद 15 नीडी फैमिलीज़ को उनकी इक्वल अमाउंट देने के बाद वहाँ कोई भी मनी जो है रिमेनिंग नहीं रहा। वो चीज़ आपको कैसे क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ आपके पास कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहा, अगर यहाँ रिमाइंडर रिमेनिंग रह जाता तो इट मीन्स वहाँ पर मनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिमेनिंग रह गए, लेकिन यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बिल्कुल नहीं रह रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पर कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो रिमेनिंग रही हो 15 नीडी फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो उसके लिए हम क्या राइट करते हैं, हमेशा क्या राइट करेंगे आप, मनी विल
विल नॉट बी लेफ्ट आफ्टर शेयर्ड. ओके क्लियर हुई बात. ईच फैमिली गेट रुपीज 2,705. हर फैमिली को 2,705 रुपीज मिले एंड मनी विल नॉट बी लेफ्ट आफ्टर शेयर. यानी कि शेयर करने के बाद जो है वो मनी कुछ भी वहाँ लेफ्ट नहीं रहा, यानी कि कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहा. अगर रिमाइंडर रिमेनिंग रह जाता तो इट मीन्स वहाँ पर मनी जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी इक्वली डिवाइड करने के बाद. ठीक है, लेकिन वहाँ कोई रिमाइंडर रिमेनिंग नहीं रहा है तो इट मीन्स वहाँ पर कोई मनी जो है लेफ्ट नहीं रहे, यानी कि कोई मनी जो है वहाँ रह नहीं गए 15 फैमिलीज को देने के बाद इक्वली अमाउंट शेयर करने के बाद. क्लियर हो गई बात. सो स्टूडेंट, यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको यहाँ अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो. बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे, डेटा सॉल्व एंड आंसर तीनों चीज़ें इसी वे में राइट करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ राइट करके शो कर रही हूँ. ओके नाउ प्रॉब्लम नंबर 6 पे वर्क करेंगे. ओके प्रॉब्लम नंबर सिक्स में हमारे पास क्या गिवन है. ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा नेड्स स्कार्फ एट द रेट ऑफ 469 मिलीमीटर एवरी डे. mm मीन्स मिलीमीटर. इफ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज हाउ मच ऑफ द स्कार्फ विल शी हैव नीडेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप. यहाँ हमसे क्या बात की जा रही है, ड्यूरिंग हर ट्रिप यानी कि उसके ट्रिप के दौरान. सारा नेट्स आ स्कार्फ, नेट्स में मीन्स क्या होता है, बुनना. सारा ने बुना क्या चीज़, स्कार्फ, एक स्कार्फ एट द रेट ऑफ 469 मिलीमीटर एवरी डे. यानी कि सारा ने स्कार्फ बुना हर एक दिन 469 मिलीमीटर. ठीक है, इफ़ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज, अगर उसके ट्रिप के जो आखिरी के 8 दिन हैं, हाउ मच ऑफ द स्कार्फ विल शी हैव नीडेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप. तो यानी कि उसमें आपको ये बताना है हाउ मच ऑफ द स्कार्फ, स्कार्फ कितना उसने नीडेड किया यानी कि बुना बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि ट्रिप के एंड में, यानी कि एंड के लास्ट 8 डेज जो रिमेनिंग रह गए हैं उसमें उसने कितना स्कार्फ को जो है बुना, अगर वो हर एक दिन जो है वो 469 जो है स्कार्फ को बुनती है. क्लियर हो रही है बात यहाँ तक. सो स्टूडेंट, यहाँ पर उन्होंने वन डे की बात बता दी, यानी कि एवरी डे, हर एक दिन. एवरी डे मीन्स हर एक दिन. और उन्होंने आपसे आगे क्या पूछ बताया गया है आपको, इफ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज, उसके ट्रिप के लास्ट 8 डेज, यानी कि हर दिन का उन्होंने बताया हुआ और 8 डेज का आपसे पूछा हुआ है. क्योंकि उन्होंने क्या कहा, बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, जो ट्रिप का एंड है उन 8 डेज में उसने कितना स्कार्फ बुना आपको वो बताना है. मीन्स वन डे का बताया हुआ है और 8 डेज का आपको बताना है. तो इट मीन्स हम यहाँ क्या प्रोसीजर करते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. कैसे क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक दिन का आपको बताया हुआ है और ज़्यादा दिन का आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, जब वन डे का बताया हुआ होता है और ज़्यादा दिन का हमसे पूछा होता है तो हम वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर हो रही है बात यहाँ तक. सो स्टूडेंट, यहाँ हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, डेटा राइट करेंगे. ओके और डेटा में हम क्या चीज़ें राइट करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है हम वो भी राइट करते हैं और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम यहाँ वो भी राइट करते हैं. ओके तो हमें यहाँ क्या गिवन है, पहले सारा हर एक दिन कितना स्कार्फ बुनती है हम वो राइट करेंगे. उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, सारा नेट्स यानी कि बुनती है आ स्कार्फ, एक स्कार्फ को एवरी डे हर एक दिन कितना 469 मिलीमीटर. mm मीन्स मिलीमीटर. ओके अब क्या बताया हुआ है आपको, इफ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज, तो लास्ट 8 डेज का जिक्र करेंगे हम यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि ट्रिप के एंड में. तो एंड मींस लास्ट के 8 डेज का जिक्र किया गया है. ओके तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, नंबर ऑफ लास्ट डेज, किसके नंबर ऑफ लास्ट डेज, सारा ट्रिप. ओके सारा के ट्रिप के लास्ट 8 डेज. ओके क्लियर है बात, अगेन रिपीट कर रही हूँ, नंबर ऑफ लास्ट डेज, क्वांटिटी बता रही हूँ मैं आपको लास्ट डेज की, किसके, सारा ट्रिप्स यानी कि सारा के ट्रिप के कितने, 8 डेज. ओके अब ये टू थिंग्स जो है हमें यहाँ गिवन थी और हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब यहाँ पर
हाउ मच ऑफ द स्कार्फ विल शी हैव नीडेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, शी विल हैव नीडेड स्कार्फ बाय द एंड ऑफ द ट्रिप इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. क्या राइट किया मैंने यहाँ पर, शी विल हैव नीडेड स्कार्फ बाय द एंड ऑफ द ट्रिप. उसने स्कार्फ को नीडेड किया था, यानी कि स्कार्फ को बुना था बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि ट्रिप के आखिरी दिनों में कितना बुना था आपको यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम क्या राइट करते हैं, क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं. अब यहाँ हम क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जिसके लिए मैं कंप्लीट फॉल्स की हेडिंग राइट करूँगी और उसमें क्लियरली राइट करूँगी कि हम यहाँ क्या प्रोसेस कर रहे हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप. 469 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, 8 से. ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ मैं आपको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करके शो करूँगी. 98 जा 72, 7 कैरी चला जाएगा, 2 नीचे राइट किया जाता है. ओके, 68 जा 48, 48 पे 7 प्लस करेंगे 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, तो 5 कैरी कर देंगे और 5 हम नीचे राइट करेंगे. 84 जा 32, 32 में जब आप 5 राइट कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 33, 34, 35, 36, 37. तो जब हमने 469 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 3752. तो हम क्या राइट करेंगे, 3752 मिलीमीटर. तो यानी कि लास्ट के 8 डेज में सारा ने जो है वो कितना मिलीमीटर स्कार्फ को बुना, 3752 मिलीमीटर जो है वो उसने लास्ट के एंड डेज में जो है वो स्कार्फ को बुना. क्लियर हो गई बात यहाँ तक, यहाँ हमें कंप्लीट आंसर मिल गया, लेकिन हम अपने आंसर को कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट करेंगे. ओके, इसके लिए मैं हेडिंग मेंशन करूंगी आंसर. ओके, अब हम अपने आंसर को राइट करेंगे, शी विल हैव 3752 मिलीमीटर नीडेड स्कार्फ बाय द एंड ऑफ द ट्रिप. क्लियर है बात, जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वही चीज़ मैंने नीचे राइट की है कम्प्लीटली. शी विल हैव, उसने कितना बुना था स्कार्फ, 3752 नीडेड स्कार्फ बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि ट्रिप के एंड में जो है उसने 3752 मिलीमीटर जो है वो स्कार्फ को बुना था. ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक बात. सो स्टूडेंट, यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ. डेटा सॉल्व एंड आंसर कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ राइट करोगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे के वर्ड्स प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे. ओके, टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू.